vlog. So in this vlog I am just going to give you the tour plan of holy city Varanasi. So let's start it. So मैं आप लोगों को हाईलाइट दे देता हूँ कि इस वीडियो हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. तो बेसिकली हम कवर करने वाले हैं बेस्ट प्लेसेस टू विजिट वाराणसी, हाउ मेनी डेज इज एनफ फॉर वाराणसी, फूड, एक्टिविटीज, स्टे, कॉस्ट, एवरीथिंग. और साथ ही साथ में हम वाराणसी कुछ जगहों को इस वीडियो में एक्सप्लोर भी करेंगे. मीन्स साथ साथ कुछ एक्सप्लोर भी होगा जिससे आप देख भी पाएंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा अगर आप प्लान करने वाले हैं तो. सो चलिए फटाफट शुरू करते हैं. सो फ्रेंड, जो सबसे पहला पॉइंट नंबर वन था वो था बेस्ट प्लेसेस टू विजिट. सो बेसिकली विजिट करने के लिए बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है मैं वो बता दूँ. सबसे पहला है दशाश्वमेध घाट है, दूसरा आपको आएगा अस्सी घाट, तीसरा आएगा विश्वनाथ मंदिर, और बाकी घाट्स तो बहुत सारे हैं. और इसमें आरती, आप अगर वाराणसी आ रहे हैं तो इवनिंग में आरती होती है. आरती कई सारे घाटों पर होती है, बेसिकली मेन जो आरती होती है दशाश्वमेध घाट पर होती है और अस्सी घाट पर होती है, और इनकी टाइमिंग 7 PM की है. सो आप कभी भी अगर आरती अटेंड करना चाहते हो 7 बजे से पहले पहुंचिए तो प्रॉपर आप देख पाएंगे अच्छे लोकेशन से या बोर्ड पर जाकर देख पाएंगे. क्योंकि जब आरती स्टार्ट हो जाती है तो मूवमेंट जो आरती के सामने जो बोर्ड्स वगैरह होती है मूवमेंट को रोक दिया जाता है. सो 7 बजे के पहले पहुंचिए तो आप सामने से देख पाएंगे, अदरवाइज आपको बैक साइड से देखना पड़ेगा. ठीक है, तो ये प्लेसेस थे कुछ विजिट करने के लिए. हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गोदौलिया, आप मस्ट विजिट करिए क्योंकि गोदौलिया का हार्ट ऑफ वाराणसी बोला जाता है. अगर लोकल शॉपिंग करना चाहते हैं तो गोदौलिया इज द बेस्ट. बाकी ब्रांड्स की शॉपिंग करना चाहते हैं ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जैसे मिल जाते हैं, वैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स शॉपिंग मॉल्स है वो मिल जाएंगे. और तो आप ये मेन बेसिक पॉइंट्स थे जहाँ आप विजिट कर सकते हैं. तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर टू के लिए. फ्रेंड्स, पॉइंट नंबर टू है हाउ मेनी डेज इज एनफ फॉर वाराणसी. तो अगर बात करें एनफ के लिए तो वाराणसी के लिए आप जितने भी दिन रुकिए उतना ही आपका एक्सपीरियंस होता है. क्योंकि कहा जाता है वाराणसी 4 दिन के बाद लोगों को समझ आनी शुरू होती है क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाराणसी सिटी. क्योंकि बाकी सिटीज में आप जाते हैं तो वहाँ क्या होता है अट्रैक्शन पॉइंट्स होते हैं, टूरिस्ट प्लेसेस होते हैं, आप वहाँ गए, विजिट किया, एक्सप्लोर किया, दैट्स आप रिटर्न हो गए. बट वाराणसी में क्या है, ये फील करने वाली सिटी है. फील करने से कहा जाता है महादेव ने बसाया, और यहाँ का जो कल्चर है वाइट कल्चर है यहाँ पे, और ये इतने पुराने घाट्स हैं, हर चीज़ आपको ना जो भी चीज़ है हर चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए. पूरे गंगा किनारे आप जाएंगे, बहुत सारे हवेलियाँ, कोठियाँ और फोर्ट्स वगैरह बहुत सारे आपको एक्सप्लोर करने के लिए मिलेंगे. हाँ, ये है कि बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, विशाल नहीं है, बट अगर काउंटिंग किया जाए तो अनेकों हैं जो कि आप बोट राइड करेंगे तो बोट राइड में एक्सप्लोर कर सकते हैं उसे. सो अगर आपके पास समय कम है तो आप 4 दिन आप प्लान कर सकते हैं, जिसमें से एक दिन आप होगा कि मॉर्निंग और इवनिंग में बोट राइड कर सकते हैं और दिन में थोड़े मंदिर के दर्शन वगैरह कर सकते हैं. सेकंड डे आप सारनाथ वाला एरिया जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं. हालांकि सारनाथ में बहुत जगह है एक्सप्लोर करने के लिए, अंदर में भी डेप्थ में भी आप जा सकते हैं. सो एक दिन वो एरिया कर सकते हैं. और तीसरा दिन जो होगा आप आसपास के एरियाज जो हैं, जैसे मिर्ज़ापुर में बहुत सारे अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पर लाइक लखनिया दरी है, वाटरफॉल है, सिद्ध नदी वाटरफॉल है, बगल में चंदौली है. सो वहाँ पर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको राजदरी, देवदरी है, ऐसे और भी पॉइंट्स हैं जो आप कवर कर सकते हैं. फोर्थ डे रहेगा प्रॉपर वाराणसी सिटी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. सिटी में लाइक बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं और भी चीज़ें हैं आप एक्सप्लोर कर सकते हैं. और क्योंकि मैंने घाट्स में से 2 ही 3 घाटों का नाम बताया है, और आपकी बचे हुए समय में जो 4 डे रहेगा बाकी के जो बचे हुए घाट्स हैं आप वो एक्सप्लोर कर सकते हैं और लोकल लोकेलिटी को थोड़ा एक्सप्लोर कर पाएंगे. फ्रेंड्स, बारी बारी सारी चीज़ें मैं कवर करूँगा, आपको बताता रहूँगा. उससे पहले आपको मैं ले चलता हूँ घाट की तरफ. वाराणसी का नया नया घाट बना हुआ नमो घाट, जिसे खिड़किया घाट भी बोला जाता है, उसे एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं वहाँ की ब्यूटी कैसी है, वो भी आपको दिखाता हूँ. मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, मैं भी घूमता हूँ और आपको दिखाता हूँ. उसके बाद कंटिन्यू रखेंगे, बाकी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा. तो चलिए फटाफट वहाँ चलते हैं. फ्रेंड्स, अगर आप वाराणसी विजिट कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है घाट का टूर करना. वाराणसी गंगा घाट के किनारे काफ़ी सुकून मिलता है, तो एक दिन आप मॉर्निंग और इवनिंग 2 दिन का आप कर सकते हैं, या फिर सेम डे भी मॉर्निंग में भी आप बोट राइड कर सकते हैं. क्योंकि बोट राइड जो सनराइज होता है वो व्यू बहुत प्यारा होता है, और सेम ही सनसेट का होता है, या फिर आप सनसेट का नहीं वो व्यू
लेना चाहते हैं तो फिर जो गंगा आरती जिस टाइम होती है बोट से व्यू काफ़ी अच्छा आता है, तो आप बोट राइड ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो अलकनंदा क्रूज में बुक कर सकते हैं। उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 900 रुपीज़ है। तो 900 रुपये में प्रॉपर आप पूरे घाट जितने वाराणसी घाट हैं वो पूरा कवर अप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप म्यूज़िक लवर हैं, वाराणसी आते हैं और आपको क्लब पार्टी टाइप की इन्वायरमेंट आपको पसंद है, आप चाहते हैं ऐसा कुछ करना, म्यूज़िक एंजॉय करना चाहते हैं, सो सबसे अच्छी चीज़ मैं बताऊं, वाराणसी के अंदर जो बड़ी बड़ी बोट्स होते हैं जिसे बाजरा यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है, क्रूज टाइप की होती है, एक फ्लोर की होती है, नीचे बैठने के लिए होता है और उसके रूफ टॉप के ऊपर पूरा म्यूज़िक सेटअप होता है, आप उस पर डांस कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं म्यूज़िक का। सो फ्रेंड, मैं अभी काफ़ी घाट पर घूमने के बाद अभी मैं घाट पर आकर प्रॉपरली बैठा हूँ और घाट पर अभी बहुत सारे सुकून सी जगह जैसी खाली जगह है, यहाँ चौकी जैसी बनी हुई है, बाकी यहाँ स्टेयर्स में पूरा पत्थर जैसा बना हुआ है, आप यहाँ पर जाके बैठ सकते हैं सुकून से और यहाँ बैठ के बस ये चिप्स वगैरह खा रहा हूँ, इन्जॉय कर रहा हूँ, बहुत सुकून है, बहुत मतलब ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। सामने ये मालवीय ब्रिज का पुल है, व्यू काफ़ी अच्छा है, कलरफुल है, इधर भी RGB लाइट्स वगैरह लगी हैं घाट्स पे और इधर भी पीछे आरती हो रही थी और इधर गंगा मैया है, चारों तरफ सबको व्यू मतलब अट्रैक्शन का पॉइंट बना रहता है, आप यहाँ पूरा रिलैक्स कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात वाराणसी की है कि आप एनी टाइम आइए, ऐसा कोई टाइमिंग का नहीं है कि राइट इतने बजे के बाद नहीं जा सकते, एनी टाइम आप आइए, आप सेफ़ हैं, आप इंजॉय कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि अगर आप वाराणसी आ रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया, मिनिमम 4 डेज़ का प्लान करिए, ट्रिप प्लान करिए, और ये जितना सुकून इस शहर के पास है ना उतना सुकून किसी भी शहर में नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी ये अपने कुछ स्नैक्स एंजॉय करता हूँ, फिर आगे आपसे मिलता हूँ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो कॉस्टिंग की है कि खर्चा कितना आता है यहाँ पे वाराणसी विजिट करना हो किसी को। तो बेसिकली मैं बताऊँ, अगर वाराणसी बहुत ही खर्चीला शहर नहीं है, क्योंकि और भी शहर की कंपैरिजन में देखा जाए तो फूड्स वगैरह, फूडिंग और स्टे दो चीज़ें बहुत महंगी होती है, ये दोनों ही यहाँ पर किफ़ायती रेट में मिल जाती है और अच्छे मिलते हैं। आपको फूड्स और स्टे की अगर मैं बात करूँ टोटल, तो 3500 से 4000 के बीच में आपका आ जाएगा, बट वो डिपेंड करता है आप पर कैसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं, कैसे आपका खर्च कहाँ कहाँ कर रहे हैं। बेसिकली वाराणसी में एक अच्छी चीज़ है कि वाराणसी में घूमने के लिए आपको बहुत दूर दूर नहीं जाना होता है, जैसे आप एक बार घाट साइड गए तो घाट एक घाट से पूरे घाट आपस में कनेक्टेड है, एक घाट से दूसरे घाट, दूसरे घाट से तीसरे घाट कनेक्टिविटी हो जाती है, बाकी गलियों गलियों से आप जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको लाइक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करना पड़े। हाँ, अगर अलग अलग लोकेशंस में जा रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन का होगा, बट वो ज़्यादा खर्चीले नहीं होते हैं, शेयरिंग ऑटोस होती हैं तो ई रिक्शाज होते हैं, तो काफ़ी किफ़ायती हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अभी स्टे की मैं बात कर रहा था तो ये बताना मैं भूल गया, स्टे के लिए आपको मल्टीपल ऑप्शंस हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कहाँ रहना पसंद करते हैं। सबसे पहले सबसे जो मेन स्टेशन वाराणसी का वाराणसी कैंट है, वाराणसी कैंट से जैसे ही सामने ही बहुत सारे होटल्स हैं जो कि आपको 500 से लेकर 1500 के बीच में ऑन एवरेज मिल जाएंगे आपको पर नाइट की चार्जेस। अगर उससे भी सस्ता आपको चाहिए तो आप सिटी के अंदर आप जाकर थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बहुत सारे धर्मशालाएँ हैं जहाँ पर 100 to 200 rupees पर नाइट के चार्जेस होते हैं, वो देख सकते हैं, या फिर नॉर्मली आप घाट के आसपास जाके एक्सप्लोर करेंगे तो और भी होम स्टेज भी मिल जाते हैं, 300, 400, 500 रुपये मिल जाते हैं। सो कॉस्टिंग रहने का सबसे ज़्यादा खर्चा होता है फ्रेंड्स, आपका ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी, बहुत ही सस्ते में हो जाएगा आपका, लोकेलिटी में रहिए। खाने की अगर बात करूँ तो खाने में यहाँ पर बहुत सारे सस्ते सस्ते फूड्स मिल जाते हैं, लाइक अगर मॉर्निंग की बात करूँ, मॉर्निंग में सबसे फेमस है यहाँ का कचौरी जलेबी की ब्रेकफास्ट होता है, बाकी आपको दोपहर में आप कुछ भी खा सकते हैं, लाइक नॉर्मल थाली भी खा सकते हैं, साउथ इंडियन फूड्स भी ले सकते हैं, इवनिंग में भी आप कुछ खाना चाहें, मतलब हर टाइम में और इंडिया के किसी भी कोने का फूड आप वाराणसी में आप खोजेंगे मिल जाएगा, फूड की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और स्टे का भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्टिविटीज़, वाराणसी में आप क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैं बता दूँ वाराणसी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि आप उसके परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे बनाना राइड होती है,
बनाना राइड कर सकते हैं, स्पीड स्पीड बोटिंग होती है वो कर सकते हैं, और टेंटिंग फ्लोटिंग टेंट्स का एंजॉय कर सकते हैं आप, पैरा मोटर यूज कर सकते हैं, पैरा ग्लाइडिंग्स होती है, ये सारी एक्टिविटीज अवेलेबल है। और अगर आपको ये बुकिंग करना हो तो इसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में डिटेल्स दे दूंगा, वहाँ देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ डिटेल्स देख सकते हैं कि उस वीडियो मैंने प्रॉपर बताया बुकिंग क्या, चार्जेस क्या है, किस किस एक्टिविटीज क्या क्या चार्जेस है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, ये था पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया, और हम यहाँ काफ़ी देर से हैं और बहुत देर से हम इंजॉय कर रहे हैं। लगभग लगभग हम आ गए थे 4 बजे के आसपास और रात के बज गए हैं 8, और अब यहाँ से हम वापस होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।